तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप भी अपने गेम में जैपनीज एनआई वॉइस चैट कैसे ला सकते हैं। नॉर्मल वॉइस चैट को आप सुनते सुनते तो बोर हो गए होंगे एक साल से, तो थोड़ा चेंज लाने के लिए पबजी वालों ने मतलब जैपनीज़ वॉइस चैट को इनेबल कर दिया है। लेकिन ये ऑफिशियली रिलीज़ नहीं हुआ है, इसको बाहर से ऐड करना पड़ता है। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि कैसे उसको ऐड करना है। तो सिंपली आपको एक फर्स्ट स्टेप होता है कि आपको एक प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ, उस ऐप का नाम क्या है। उस ऐप का नाम है ज़ार अचीवर। तो इस तरह से ये ऐप आपको दिखेगी, तो इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। फिर इसको आपको ओपन करना है। तो इसका इंटरफेस कुछ ऐसा आएगा बना हुआ। तो यहाँ पे जाके आपको जाना है डाउनलोड्स पे। डाउनलोड पे आपको जाना है, यहाँ पर आपको एक फ़ाइल ऐड करनी पड़ेगी पहले। तो आपको ये फाइल्स डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड होंगी, सिंपली आपको क्लिक करना है, यहाँ पर इसको इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। तो गाइज आपको यहाँ पे इसको ओपन नहीं करना है, यहाँ पे ऑप्शन आया था। तो आपको सिंपली बस ऐप को ओपन करना है ज़ार अचीवर को, और यहाँ पर डाउनलोड्स वाले ऑप्शन में जाके एक्टिव डॉट सेव पे आपको होल्ड करना है, और फिर कॉपी पे क्लिक कर देना है। आपको गाइज यहाँ पे बैक ऑप्शन नहीं दबाना है, वरना सब कुछ गलत हो जाएगा। आपको सिंपली ऊपर क्लिक करना है यहाँ पे, और डिवाइस मेमोरी पर जाना है। डिवाइस मेमोरी पे जाके आपको एंड्रॉयड वाले ऑप्शन पे जाना है, फिर डेटा पे जाना है। देन आपको टेंसेंट वाला फोल्डर आपको सर्च करना है, tencent.ig। फिर आपको फाइल्स पे क्लिक करना है, देन यूई फॉर गेम, देन शेडो ट्रैकर, अगेन शेडो ट्रैकर, देन सेव। देन आपको सेव गेम्स पे जाना है, देन आपको ग्रीन वाले बटन क्लिक कर देना है, देन अप्लाई टू ऑल फाइल्स एंड रिप्लेस कर देना है। तो अब आपको अपना गेम ओपन करना है गाइस। तो पुराना वाला गेम मैं क्लोज कर देता हूँ और रीओपन कर लेता हूँ। तो गाइस फर्स्टली गेम थोड़ा लोड होने में थोड़ा टाइम लेगा, पहले की तरह फर्स्ट टाइम ही होगा गाइस, क्योंकि थोड़ा फाइल्स को सेटल होने में टाइम लगता है। और गाइस ये गारंटीड से मैं कह सकता हूँ, इस गेम मतलब इन फाइल से आपके गेम पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लैग वैग कुछ होगा नहीं, पहले जैसे ही स्मूथ चलेगा गेम, बस आपका वॉइस चैट चेंज जाएगा। तो इसमें गेम ओपन हो चुका है, इसमें बता देता हूँ कुछ भी आपको इनेबल करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपके ग्राफिक्स चेंज हो जाएंगे, उसको मैं वापस स्मूथ कर लेता हूँ, स्मूथ एक्सट्रीम कर लेता हूँ मैं। ओके, बस यही चेंज आपको करना होगा। इन्वेंट्री पे जाके आपको ये चैट पे आपको कुछ छेड़ना वेड़ना नहीं है। जैसे डिफ़ॉल्ट वॉइस है ना, अभी इसमें शो नहीं करेगा, वो आपको गेम में शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ट्रेनिंग मोड पर चला जाता हूँ। कुछ भी आपको सेटिंग्स वगैरह चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सेम आपको पुराने जैसा ही होगा। बस आपके ग्राफिक्स आपके चेंज हो जाएंगे, उसको आप वापस पुराने जैसे आप कर लीजिए, जैसे आप कंफर्टेबली खेलते हैं। तो गाइज मैं यहाँ पे ट्रेनिंग मोड में आ चुका हूँ, और यहाँ पे मैं आपको ये नाइन वॉइस चैट दिखा दूँ क्या चेंज हुआ है। गाइज देख लीजिए, यहाँ पे सब कुछ चेंज हो चुका है। यहाँ पे मैं फर्स्टली आपको डेमोंस्ट्रेट करके दिखाता हूँ। तो ये एनिमीज हेड में यहाँ पे आपका मार्कर भी ऐड हो रहा है। आपको सप्लाईज का भी मैं मार्कर दिखा देता हूँ, सप्लाईज का भी मार्कर हो रहा है। तो गाइस यही था, यहाँ पे मैंने आपको सारे आपको डेमोंस्ट्रेट कर दिए। यहाँ पे कम से कम आई थिंक 25 तो होने चाहिए, यहाँ पे बहुत है, काफ़ी है। और अगर आप वेपन स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे,
वेपन स्क्रॉल करके भी कर सकते हैं इसको मार्क। ओके जैसे यहाँ पे इंस्टेंटली मार्क कर रहा हूँ मैं, एनिमीज अगर देखा मुझे तो यहाँ पे इंस्टेंटली मैं से मार्क कर सकता हूँ। तो गाइस इसमें यही था, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अपने दोस्तों को भी आप इससे इम्प्रेस करिए, उनको भी बताइए, वीडियो को शेयर करिए गाइस, लाइक करिए, और अगर पसंद आया तो यार सब्सक्राइब भी करिए। इसका दूसरा वर्जन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा दूँगा, वो मतलब और भी बेटर होगा गाइस, मतलब उसमें वे मेल वॉइस चैट भी होगी और थोड़ी कोरियन वॉइस भी होगी, और एक दूसरी एक बेबी सेंटर वॉइस करके भी आया है इसमें, वो भी आपको दिखा दूंगा आपको कैसे ऐड करना है गाइस नेक्स्ट वीडियो में। तो चलो गाइस मिलता हूँ आपको, सी या।